नमस्कार, मैं हूं विवेक शाही और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी की खास कार्यक्रम शख्सियत। आज इस कार्यक्रम में जो शख्सियत हमारे साथ है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इस समय भारत की सबसे लोकप्रिय ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट डिजाइनर हेड सुधांशु मणि जी आज हमारे साथ हैं। आज हम उनसे इस बारे में, इस ट्रेन के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे कार्यक्रम में प्राइम टीवी में आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले सर अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइए कि ये कैसे एक यंग बॉय से रेलवे के इतने बड़े पद पे जाना, इतनी बड़ी ट्रेन के बारे में सोचना, उसको धरातल स्तर पर विकसित करना, उसे चलाना, कैसा रहा सफर आपका? वैसे तो मैंने बहुत SCRS स्कीम के थ्रू रेलवे ज्वाइन की थी, वो क्लास 12 के बाद आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये समझिए कि 40 साल से ऊपर की जर्नी रही। सो आई एम अ रेलवे मैन फॉर लाइफ। बहुत अच्छी जर्नी रही और बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। ट्रेन का यहाँ तक सवाल है तो ये बचपन में भी और सर्विस के थ्रू आउट द सर्विस ऑल्सो, ये हमेशा मुझे लगता था। विदेशों की मैगजीन पहले देखी और बाद में जब गए वहाँ कि हमारे यहाँ जो ट्रेन्स हैं वो मॉडर्न, एस्थेटिकली सुपीरियर, स्पीडियर, मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस क्यों नहीं बनती? हमारे इंजीनियर्स में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू और अदरवाइज अच्छी खासी कैपेबिलिटी है, फिर भी नहीं बन पा रही है। ये एक एंगस्ट या एक ये बात हमेशा दिमाग में रहती थी। 2016 में जब मेरे कोई 29 महीने रिटायरमेंट के बाकी थे तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में मांग के मैंने पोस्टिंग ली। वेकेंट थी उस वक्त, इसलिए पॉसिबल था। और वहाँ जाके मैंने देखा कि वहाँ के जो ऑफिसर स्टाफ की टीम थी वो उससे अच्छी टीम की उम्मीद नहीं की जा सकती थी रेलवे में, और बहुत कैपेबिलिटी थी और उनमें एक एक्साइटमेंट था, एक जुनून था कुछ नया करने को। वो एक ही तरह की ट्रेन बनाते बनाते आप समझिए बोर्डम सी उनके चेहरे पे दिखती थी। मेरा काम ये सिर्फ ये था कि इस एनर्जी को चैनलाइज किया जाए, और तो सैंक्शन लाने से फिर उनको एक्साइट करने के, और ये कि अप्रैल 17 में हम लोग को सैंक्शन मिला तो मेरे रिटायरमेंट के पहले ट्रेन बन जाए जिससे कि बाद में कोई इसको अबैंडन ना कर सके। तो वो बहुत मेहनत से, बड़े लगन से काम किया उन लोगों ने, और मेरे रिटायरमेंट के पहले अक्टूबर 2018 में 18 महीने के टाइम में ट्रेन बन के निकल सकी है, और बड़ी खुशी हम लोग को इस बात की हुई। और बाद में जैसा आपने कहा कि ट्रेन में चूंकि एक नया लुक है, स्पीडियर है, फास्टेस्ट ट्रेन है, तो बहुत लोकप्रिय हुई। और ऐसा पहली बार हुआ होगा कि कोई ट्रेन 5 बार लॉन्च की गई है, 5 में 4 बार प्राइम मिनिस्टर ने खुद की है, तो ये सब बड़ा सेटिस्फैक्शन का मुद्दा रहा है। सर जैसे कि कोई सरकारी आदमी है अपने रिटायरमेंट के समय में वो चाहता है कि अपने गृहनगर में रहे, वहाँ सेटल हो जाए, अगर और भी इच्छाएँ हैं उसकी तो उस समय अपने रिटायरमेंट के आखिरी समय में पूरा करें। लेकिन आपने अपने रिटायरमेंट के आखिरी समय में जो 29 महीने थे वो चेन्नई में बिताना चाहा, एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए काम करना चाहा, तो ये जुनून शुरू से था? आज जैसा मैंने आपको बताया कि ये कैंग स्टेक मन में ये बात जरूर थी कि मौका अगर मिले तो जरूर इस दिशा में कुछ करना चाहिए, और मौका मेरे सामने था। एक क्लेरिफिकेशन मैं दे दूं, ये फेसबुक पोस्ट पे और जगह जगह ये बात लिखी जा रही है कि आमतौर पे होम टाउन या होम स्टेट के पास पोस्टिंग दी जाती है, ऐसा बहुत सही नहीं है, क्योंकि भारतीय रेल एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है, और ये कहना बहुत ठीक नहीं होगा कि अपने होम स्टेट में पोस्टिंग मांगते हैं लोग और मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, चेन्नई आप कह सकते हैं लखनऊ से बहुत दूर है, तो लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट को करना था तो वो चेन्नई ही, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में ही पॉसिबल था, तो वो लखनऊ से दूर होने का उसमें कोई मुद्दा नहीं था। मेन बात ये थी कि किसी तरह रिटायरमेंट के पहले
इतनी अच्छी टीम को लेके अगर एक ट्रेन बनाई जा सके तो ऐसा मतलब एक 40 साल से ऊपर की रेलवे की सर्विस को एक बड़ा अच्छा क्लाइमैक्स मिलेगा और शायद ताज़ुंदगी इसका एक सेटिस्फेक्शन रहेगा। सर ऐसा सुना गया है कि कोई विदेशी कंपनी इस ट्रेन को बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए की लागत लगा रही थी, लेकिन सर आपने लगभग 100 करोड़ में ये चीज़ें की, तो ICF में कितनी चैलेंजिंग चीज़ें रही इस ट्रेन को बनाने के लिए, क्या क्या आपने चैलेंजिंग फेस किए? देखिए अगर ये ट्रेन इम्पोर्ट की जाती तो हम लोगों ने 2 ट्रेन का सेंक्शन बड़ी मुश्किल से हासिल किया था, वो अलग कहानी है, लेकिन कोई भी विदेशी कंपनी बड़ी अच्छी कॉम्पिटेंट कंपनी 2 ट्रेन का ऑर्डर नॉर्मली कोई लेगा नहीं, बिकॉज उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती नहीं है। वो कम से कम 15-20 ट्रेन का ऑर्डर चाहेगा और फिर एक मोटी टेक्नोलॉजी फी भी लेगा, और चूंकि ट्रेन बाहर बनेगी तो लिहाजा उसका दाम भी ज़्यादा होगा, तो वो 250 करोड़ वाली बात लगभग सही है कि उससे कम में नहीं बनती विदेश के थ्रू। और जब हमने ये ठाना कि हम खुद बनाएंगे तो उसमें कोई टेक्नोलॉजी हम बाहर से नहीं लाएंगे, खुद जितना अच्छा खराब जो हो सके खुद बनाएंगे, तो वो एक चैलेंज भी आप कह सकते हैं और एक उसका एक्साइटमेंट भी था कि ICF के डिज़ाइनर्स ही इस ट्रेन को डिज़ाइन करें और बनाएं। और इंडस्ट्री जो है लाइट इंडस्ट्री वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है भारत में, उनकी भी पूरी मदद रहेगी क्योंकि उनको भी लगेगा कि एक प्राइड के लिए कोई काम कर रहे हैं। तो ये सब मिला के वो 97-98 करोड़ में ट्रेन बन पाई हम लोग की, तो उसमें सेविंग तो हुई। और चैलेंजेस तो यही थे कि एक तो पहले शुरू में स्केप्टिसिज्म था कि ये ऐसे ही ये शगुफा छोड़ रहे हैं बन नहीं पाएगी, लेकिन चेयरमैन साहब ने फिर सैंक्शन दे दिया था। और इसके अलावा ये चैलेंज था कि जो काम आमतौर पर एक बड़ी कंपनी 36 से 42 महीने में करती है, तो रिटायरमेंट के पहले इसको 18-20-21 महीने में कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और उस चैलेंज में टीम खरी उतरी और उन लोगों ने 18 महीने में काम कर दिखाया। तो इस तरह के छोटे छोटे और रोज़ ही एक चैलेंज आते थे, लेकिन टीम चूंकि कॉम्पिटेंट थी तो सिनर्जी थी, डिसअपॉइंटमेंट होते थे लेकिन उसके बाद उसका सोल्यूशन भी निकलता था। तो इस तरह से ये काम अब हाइंडसाइट में लगता है कि भाई इसमें कुछ भी गड़बड़ हो सकता था, वो बात सही है, लेकिन फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, हम लोग ने ठान लिया था करना है और टीम अच्छी थी तो काम सफल हो सका। सर ये बताइए कि पहले इसका नाम ट्रेन 18 था, बाद में इसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया, और जब से ये ट्रेन लॉन्च हुई है तो ये ट्रोल ज़्यादा हुई है, क्योंकि अगर पिछले 40 से 50 दिन की बात की जाए तो 4-5 जगह वो क्षतिग्रस्त हो गई दुर्घटना से, उसके डिजाइन में गड़बड़ी देखी गई, लोगों ने काफ़ी ट्रोल करना शुरू किया कि ये डिब्बा बना दिया गया है, ट्रेन नहीं कि डिब्बा है, इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें 2 बातें हैं कि देखिए ट्रेन चूंकि लुक नया था और लोगों ने बहुत पसंद किया तो उस पर हाइप भी बिल्डअप हुई, सरकार ने भी बिल्डअप की। एक ट्रेन के ऊपर इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट पॉजिटिविटी आपने कभी नहीं देखी होगी, तो अब पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है जी, ऑपोजिशन में बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो उनको एक मौका मिल गया कि इस ट्रेन के जरिए वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे और गवर्नमेंट पे निशाना साध सकते हैं, तो ये तो पॉलिटिक्स का मुद्दा है। जहाँ तक टूर जिस वजह से हुआ वो ये था कि ये ट्रेन देखिए 160 किलोमीटर के लिए बनाई गई है, 160 किलोमीटर पे ट्रैक जरूरी हो कि फेंस्ड हो, वरना आपको सैंक्शन नहीं मिलेगा चलाने का। तो उसको ध्यान में रखते हुए जब ट्रेन बनाई गई तो उसमें ये कोई इम्कान ये नहीं रहता है कि सामने गाय या आदमी कोई आ जाएगा, फिर भी ये केयर ली गई थी कि अगर आ भी जाए, टकराहट हो भी जाए, तो सिर्फ आगे की जो नोज है वो डैमेज हो जाए जिसको शेड में जाके डिपो में बदला जा सके। तो डिज़ाइन में कोई ख़राबी नहीं थी। अब चूंकि 160 किलोमीटर के ट्रैक हमारे यहाँ है नहीं और सरकार ने बीड़ा उठाया है कि बहुत सारी ट्रेन बनानी है, तो इनको ऐसे ट्रैक में चलाना पड़ रहा है जहाँ पे फेंसिंग नहीं है, और कम स्पीड पे चलने के बावजूद अगर गाय या भैंस से उस स्पीड पे 130 पे भी टकराएगी, 100 किलोमीटर पे भी टकराएगी, तो ये डैमेज होगा। अब देखना ये है कि ये तो हुआ जो स्टेटस, बजाय
क्रिटिसिज्म के ये देखना है कि ऐसी जगह ट्रेन ज्यादा चलाई जाए जहाँ पे कैटल इंग्रेस ट्रैक पे कम हो, और जहाँ आपको चलानी हो जितना हो सके जल्दी से जल्दी फेंसिंग का काम हो सके। और सरकार ने कहा भी है कि बहुत वॉर फुटिंग पे फेंसिंग का काम करेंगे, उम्मीद है कि होगा। तो जो क्रिटिसिज्म वगैरह था उसमें जैसा मैंने कहा पॉलिटिक्स भी थी, कुछ लोगों को खराब भी लगा कि भाई ट्रेन आपने इतनी तारीफ की ये कुछ और ये डैमेज हो जाती है, तो वो डिज़ाइन का मुद्दा मैंने आपको समझाया। तो ये कहानी है इसकी। इस क्रिटिसिज्म को सुधांशु मणि कैसे लेते हैं, किस तरह से देखते हैं इसको, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेन बनाई है, ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है ये, उसके बाद लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो आप इसे कैसे देखते हैं, कैसे लेते हैं? नहीं देखिए, अगर आप सारे फेसबुक पोस्ट लिंक्डइन तमाम जगहों पे देख लें, मेरा ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि 85% लोग तो तारीफ ही करते हैं, और ये भी कहते हैं कि हाँ इसमें सरकार ने जल्दीबाजी कर दी या ट्रैक को इम्प्रूव करिए, ट्रेन का दोष नहीं है, तो ये तो पॉजिटिव बातें हैं। 5-7% ऐसे होंगे जो अज्ञानता की वजह से बुराई करते हैं, कुछ लोग इसलिए बुराई करते हैं कि उनको गवर्नमेंट पे निशाना साधना है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज की बुराई करते हैं। तो ये जो बुराई करने वालों हैं, उस वाले लोग हैं, उनको जितना मेरी मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि इसको मैं समझाऊं लोगों को, मैंने कोशिश की, एक ब्लॉग भी लिखा और उसको भी डाला सब जगह, उस पर भी गाली दी कुछ लोगों ने, और बहुत लोगों ने माना कि बहुत सही आपने बात कही कि इसमें ट्रेन का दोष नहीं है। तो उसके बाद भी जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये तो ज़िंदगी है, उससे मेरा ख्याल से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज़ को बहुत पसंद किया जाएगा या उसकी बहुत हाइप बिल्डअप होगी तो कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे, ये तो लाजमी है। सर अगर कोई ट्रेन चलती है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो जैसा कि आपने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि पहले ट्रैक को डेवलप करना चाहिए था, ये पॉजिटिव चीज थी, तो क्या आपको लगता है कि मेन फोकस ट्रेन पे रखा गया, उसके ट्रैक को डेवलप करने में थोड़ा कम समय दिया गया, या फिर पहले ट्रैक डेवलप हो जाना चाहिए था फिर इसको लॉन्च किया जाना चाहिए था? ये आप कह सकते हैं ट्रेन पे फोकस कुछ ज्यादा हो गया, ट्रेन डेमोंस्ट्रेशन के तहत बनी थी कि हम भी ये काम कर सकते हैं। इतनी ज्यादा तादाद अभी बनी नहीं है, 5 ही बनी है, लेकिन जो प्लान इतनी ज्यादा तादाद में बनाने में ये प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आपने डिजाइन किया 160 के हिसाब से, आप चलाएंगे 120 130 पे, तो ट्रेन से वो वैल्यू मिलेगी नहीं, मिलेगी लेकिन उतनी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन फास्ट है, टाइम आपका फिर भी बचेगा। तो मैं मानता हूँ कि इतना ज्यादा तेजी से इंडक्शन के बजाय थोड़ा स्लो डाउन हो और ट्रैक पे इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे कि दोनों ट्रैक भी डेवलप हो, ट्रेन भी, और दोनों एक मतलब कमेंसरेट काम हो। ये तो मैं आपकी बात मानता हूँ कि ट्रैक पे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था, और उम्मीद है सरकार अब ध्यान देगी ज़्यादा। पहले इस ट्रेन का नाम सर ट्रेन 18 था, ये आपने पूछा है, बाद में इसको बदल देंगे, इसके पीछे की क्या कहानी? नहीं देखिए, उसमें कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं है। ट्रेन 18 नाम इसलिए पड़ा, अप्रैल 17 में ये सवाल उठा कि भाई 36 महीने इसको लगते हैं बनाने में, आप रिटायर हो जाओगे, फिर बाद में काम शुरू हुआ नहीं रहेगा, सिर्फ ड्राइंग बनी होगी, कोई नया लीडर आके कहेगी क्यों ये आप झमेला मोल ले रहे हो, आप कोई बनाते बनाते रहो, आपको किसने कहा बनाने को? बात सही है, हम लोगों कहा किसी ने कहा, हम लोग एक तरह से भीख मांग के सेंक्शन लाए थे। मैंने कहा ये दिक्कत है तो हम लोग दिन रात मेहनत करके इसको मेरे रिटायरमेंट से पहले ही निकाल देंगे। तो अप्रैल 17 यानी 2018 में निकलनी है, तो हमने कहा भाई आज ही इसका नाम ऐसा रख दें कि लोगों को याद रहे कि ये ट्रेन 2018 में निकलनी है, इसलिए इसका नाम ट्रेन 18 रखा, और नाम पॉपुलर हुआ, हम लोग को मोहब्बत भी है बहुत इस नाम से। बाद में जब पहली ट्रेन चलाई गई बनारस से दिल्ली के बीच में, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जहाँ तक मुझे याद है नाम इसका दिया गया वंदे भारत एक्सप्रेस, और वो भी बहुत अच्छा काम है। आप अगर देखिए तो एक ट्रेन को एक बहुत प्राइड ऑफ प्लेस दिया है ये नाम देखिए, तो मेरे हिसाब से दोनों नाम बहुत अच्छे हैं। कौन सा नाम सर आपके ज्यादा करीब है? देखिए ये तो नेचुरल है, क्योंकि ये नाम दिया हुआ मेरा था ट्रेन 18, और उसके तहत ही 18 महीने में काम हुआ, तो मुझे ज्यादा पसंद है। लेकिन दूसरा नाम भी अब चूंकि पब्लिक इस नाम से जानती है, इसलिए उसकी भी उतनी अहमियत है, और मैं कभी इस बारे में लिखता हूँ तो हमेशा ट्रेन 18 ऑब्लिक वंदे भारत एक्सप्रेस लिखता हूँ, जिससे दोनों नाम एक तरह से पसंद है।
सर, जैसे कि आपने बताया कि आप खुद जो है इंटरेस्टेड थे इस प्रोजेक्ट के लिए, कहा जा सकता है ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपने खुद जो है सरकार से बात की, सैंक्शन लेके आए, तो कितना सहयोग गवर्नमेंट का रहा? अब गवर्नमेंट क्या होती है ये तो बड़ा मुश्किल है कहना। ये जरूर कहूंगा कि गवर्नमेंट अगर ये माने कि रेलवे मिनिस्ट्री, तो उसमें सबसे ऊंचे पद पर ब्यूरोक्रेट चेयरमैन रेलवे बोर्ड होते हैं, उसके बाद मेंबर्स होते हैं। तो जो मेंबर्स वगैरह थे उनका बहुत कोई सपोर्ट था भी नहीं, और बाद में हमें उस सपोर्ट की जरूरत भी नहीं थी। जीएम को इनफ एम्पावरमेंट दिया है इस सरकार ने, तो चेयरमैन रेलवे बोर्ड का सपोर्ट था तभी इसका सैंक्शन मिला। और रिलक्टेंट थे वो, पर उनको जब समझाया गया कि हम बन सकते हैं और आपसे इंपोर्ट करिए जितने करना है, लेकिन इससे कम दाम, बहुत कम दाम पे हम बना लेंगे, तो उन्होंने सैंक्शन दिया। और जहाँ तक और पॉलिटिकल लीडरशिप का सवाल है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप इन्वॉल्व नहीं थी इसमें। ये बाद में 2018 में पीयूष गोयल साहब आए थे एक बार, मेरे ख्याल समर में, जुलाई अगस्त रहा होगा, तब तो उनको ट्रेन दिखाई गई थी, उन्होंने सराहा भी था। तो ये था सरकार की तरफ से। सर, ये बताइए कि आपकी जो ट्रेन 18 है जिसे जी। वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, जी। वो भारत में चलने वाली बाकी ट्रेन से कैसे अलग है, कैसे बेहतर है? है तो बहुत सी चीजें, पर मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि नॉर्मली हर एक ट्रेन में डिब्बे होते हैं और लोको होता है, लोकोमोटिव इंजन एक तरफ हो दोनों तरफ हो, और ये डिब्बे जरूरत के हिसाब से काटे जोड़े जाते हैं। लोग डेस्टिनेशन पे पहुंच के इंजन कहीं चला जाता है, कोचेस कहीं जाती है मेंटेनेंस के लिए। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई लोकोमोटिव नहीं है, ये सिर्फ डब्बे ही हैं, एंड में दो कैब है एक दोनों तरफ, ये ऐसे आई और ऐसे वापस जाएगी। रिवर्सल की इसमें जरूरत नहीं है, जो ऑन ट्रेन में होता है कि इंजन आगे से काट के फिर पीछे लगाओ तब दूसरी तरफ जाएगी। अच्छा, सारा इक्विपमेंट जो है चलाने को ट्रेन का, वो फ्लोर के नीचे रहता है और थ्रू आउट 16 कोच में है, ये नहीं कि कोई इंजन है उसमें है। काफी ज्यादा आप इसकी वजह से इसमें इक्विपमेंट पैक करके बहुत पावरफुल बना सकते हैं इसको, तो इसका एक्सेलरेशन बहुत फास्ट होता है। और चूंकि ऊपर की पूरी जगह पैसेंजर्स के लिए है, तो आप पैसेंजर एमिनिटीज बेहतर दे सकते हैं, और ट्रेन के एक डिब्बे से आप आखिरी डिब्बे तक जा सकते हैं सील्ड गैंगवे के थ्रू, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने एक कोच क्रॉस कर दिया। आज वो नहीं है, आज आप वेस्टिब्यूल पे जाते हैं तो एक थोड़ा बच्चों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए खतरनाक सी चीज है। तो ये इसका मेन यूएसपी तो ये है, और इसके छोटे छोटे बहुत से और पैसेंजर एमिनिटीज के फीचर इसमें हैं। तो और एरोडायनामिक प्रोफाइल आगे है, तो ये हाई स्पीड के लिए सूटेबल है, कम रेजिस्टेंस ऑफर करती है, कम एनर्जी कंज्यूम करती है, और आपकी जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है अभी इस ट्रैक, कोई भी ट्रैक में, उससे 10-15% कम टाइम में पहुंचा सकती है आपको। तो ये सब खूबियां हैं इस ट्रेन सर, जैसे आपने बताया कि ये कम समय में ज्यादा दूरी तय करती है, फास्टेस्ट ट्रेन है अब तक की। बुलेट ट्रेन पे भी काम चल रहा है, उस प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा है, काफी काम आगे बढ़ भी चुका है। जी तो अगर बुलेट ट्रेन लॉन्च हो जाती है, चलने लगती है, तो सबसे पहला सवाल तो सर मेरा ये है कि क्या भारत तैयार है बुलेट ट्रेन के लिए? दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि अगर बुलेट ट्रेन लॉन्च आता है, बुलेट ट्रेन चलने लगती है भारत में, तो वंदे भारत एक्सप्रेस और ट्रेन 18 किस तरह से अपने पहचान को बुलेट ट्रेन से अलग रख पाएगी, और कहीं बुलेट ट्रेन की पीछे ना रह जाए? जी देखिए, बुलेट और वंदे भारत दोनों में एक बेसिक फर्क है कि वंदे भारत जो है वो एग्जिस्टिंग ट्रैक, जो हमारे ट्रैक है उस पे चलेगी। इस ट्रैक को आप इम्प्रूव करते हुए 200 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं अगर इसके पीछे लग जाए करने के, और ट्रेन में दो इसको 160 से 200 किलोमीटर का बनाने के लिए उतनी मेहनत नहीं आएगी। तो अब एग्जिस्टिंग जो भी ट्रैक है उस पे आप 200 किलोमीटर तक की ट्रेन फ्यूचर में, आज से 5 साल बाद, 8 साल बाद कर सकते हैं। बुलेट ट्रेन एक अलग चीज है जिसको हाई स्पीड रेलवे कहते हैं, हाई स्पीड ट्रेन, वो 300 से 350 किलोमीटर की स्पीड पे चलती है। और वो जहां वंदे भारत 500 किलोमीटर में, मान लिया 5 घंटे में पहुंचाती है, तो एयरपोर्ट जाना आना वो सब टाइम मिला के वो एक एयर ट्रैफिक को चैलेंज कर सकती है। बुलेट ट्रेन अगर जैसे मुंबई से अहमदाबाद, ये
500 किलोमीटर के करीब है और वो सब सब 3 घंटे में ट्रैवल कवर करेगी, तो वहाँ तो एयर ट्रैफिक का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो दोनों थोड़ा अलग अलग चीज़ें हैं। बुलेट ट्रेन के लिए आपको नया ट्रैक बिछाना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग ट्रैक पे आप इतनी स्पीड नहीं ला सकते और उसमें कर्वेचर वगैरह नहीं होते हैं, काफ़ी स्ट्रेट अलाइनमेंट होता है। तो हमें दोनों की ज़रूरत है। बहुत बड़ा देश है हमारा और अभी इकॉनमी तरक्की कर रही है, तो मेरे हिसाब से बुलेट ट्रेन और इसका कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है नहीं। ये एग्जिस्टिंग ट्रैक के लिए है और बुलेट ट्रेन ट्रेन जो है वो नए ट्रैक पे आएंगे। यानी बुलेट ट्रेन सर हाई स्पीड ट्रेन है और ये सेमी हाई स्पीड? यस बिल्कुल सही कहा जी। तो सर ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए आपको 21 महीने लगे, इस दौरान काफ़ी सारे चेंजेस आए होंगे, काफ़ी सारी डिफिकल्टीज भी आई होंगी। सर एक ट्रेन बनाने में जो वेस्ट मटेरियल होता है काटी जाती है, कुछ डिब्बे को काटा जाता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उन वेस्ट मटेरियल का खपत आपने कैसे किया कि पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे और हमारा काम भी हो जाए? जी उस पर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा कोई काम किया हम लोगों ने, लेकिन ये देखा था कि जो वेस्ट मटेरियल है, देखिए जो मेटालिक वेस्ट है वो तो स्क्रैप में बिक जाता है, पिघला दिया जाता है, वो एनवायरनमेंट के लिए उसमें कोई क्षति नहीं है। दिक्कत आती है नॉन मेटालिक वेस्ट में जिसका डिस्पोजल ईजी नहीं है। तो एक हम लोगों ने छोटा सा काम किया, हालांकि उससे खपत वेस्ट की बहुत ज़्यादा नहीं रही, लेकिन उसको हमने स्कल्पचर में कन्वर्ट किया। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बहुत से आपको स्कल्पचर दिखेंगे जो नॉन मेटालिक वेस्ट के बने हुए हैं। और इसके अलावा तरीके ढूंढे कि चेन्नई सिटी में पॉसिबल है, हर जगह पॉसिबल भी नहीं है, कि उसको रिसाइकिल कैसे किया जा सकता है। तो कुछ इस दिशा में भी हम लोग ने सक्सेस मिली कि उसको जो नॉन मेटालिक वेस्ट था उसको रिसाइकिल करने का भी इंतजाम किया, जिससे एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो। और उसमें और काम करना बाकी था, अब इस समय क्या हो रहा है मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कोशिश हम लोगों ने की थी। सर आप एक राइटर भी हैं, ब्लॉग भी लिखते हैं, एक्स रेलवे ऑफिसर भी रहे हैं, एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जो अब देश देख रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में, तो सुधांशु मणि खुद को क्या कहलाना पसंद करेंगे, राइटर, एक्स रेलवे मैन या मैन बिहाइंड वंदे भारत एक्सप्रेस? पहले तो आपने बताया तो मैं अपनी किताब की आपके दर्शकों को दिखा दूं, ये मेरी 6ठी किताब है। इससे पहले मैंने विजुअल आर्ट्स और ग्रीनरी के ऊपर कॉफी टेबल बुक्स लिखी थी और ये अमेजोन पे उपलब्ध है। इसमें इसके सेल में मेरा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसकी कहानी एक तरह से अगर जिनको ट्रेनों में इंटरेस्ट है या जिनको मैनेजमेंट इंटरेस्ट है तो शायद उनको पढ़ने में अच्छी लगे। अमेजोन पे उपलब्ध है माई ट्रेन 18 स्टोरी, ये मेरी 6ठी किताब थी। इसके बाद जो अभी किताब मैंने लिखी है तैयार पब्लिकेशन में जानी है, वो उसका रेलवे से कोई मतलब नहीं है, वो गालिब और शेक्सपियर का एक कंपेरिजन कोलेशन टाइप का मैंने किया है और वो कितने लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उसको लिखने में मुझे बहुत आनंद आया। पिछले एक साल से लिख रहा था मैं, अभी कंप्लीट हुई है। तो आपका सवाल है कि अरे अगर लोग एक अच्छा इंसान समझ लें वो बहुत है, बाकी चीज़ें तो आप एक प्रोफेशन में थे, आपको लिखने पढ़ने का थोड़ा बहुत शौक है उसका, ये सब से अच्छे लोगों से मुलाकात भी होती है, तो मैं कोई ब्रांडिंग अपनी क्या बताऊँगा आपको, लेकिन ये सब चीज़ें हैं। आपकी बातों से लग रहा है कि एक लेखक कहलाना आप ज़्यादा पसंद करेंगे? अभी लेखक कहलाने लायक शायद मैं हुआ नहीं हूँ, पर अगर कल को हो जाऊँ तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। सर हमने बचपन से हम ट्रेन के बारे में सुनते आए हैं, छुक छुक गाड़ी से हम लोग शुरू करते हैं, जब हम छोटे होते हैं हम किताबों में पढ़ते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं उसके विजुअल देखते हैं, और जो एक पहला सफ़र आपका भी रहा होगा ट्रेन में, जब आपने पहली बार ट्रेन में सफ़र किया होगा, और फिर उस वो दिन आया होगा जब आपने वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण कराया होगा, तो कैसा लगा इन दो समयों के बीच आपको कैसा लगा? देखिए हिंदुस्तान में आपको पसंद आए ना पसंद आए, लेकिन भारतीय रेल को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और बचपन में तो ऑब्वियसली खिड़की के पास बैठ के पूरे हिंदुस्तान को आप अपनी आँखों से पास होते देखे, वो एक प्लेजर अलग था। और वो बचपन क्या बाद में भी अभी भी कभी ट्रेन में बैठते हैं तो आप देखिए आमतौर पे आपकी नज़र बाहर जाती है और बड़ा एक मतलब जिसको कहें अच्छी फीलिंग आती है देखते हुए, जो उसमें आपको
इंडोलेंस, हार्ड वर्क, सेलिब्रेशन, जॉय, नदी, पहाड़, रेगिस्तान सब देखते जाते हैं। और वो एक ट्रेन में चलने का मजा अलग था, वो ज्यादा एज ए पैसेंजर या एज एन इंडियन आप कह सकते हैं। और ये बनाने का वो फिर एक इंजीनियरिंग की चीज़ आ जाती है, क्रिएटिविटी की चीज़ आ जाती है, उसका एक्सपीरियंस अलग है। तो दोनों एक्सपीरियंस को मैं कंपेयर नहीं करूँगा। एक ट्रेन में ट्रैवल करने का एक एक्साइटमेंट अलग होता है, जो आज भी है, हालांकि अब बहुत कम ट्रेन में जा पाता हूँ मैं या नहीं जाता हूँ। और बनाने का एक्साइटमेंट अलग है, तो दोनों को कंपेयर करना शायद ठीक नहीं होगा। अभी तक वंदे भारत एक्सप्रेस पे आपने सफर किया? मैंने वंदे भारत के ट्रायल के टाइम में सफ़र किया है, लेकिन अभी तक किया नहीं है और मुझे करना है। मैं एज ए पैसेंजर में नहीं गया हूँ, मुझे करना है। कोविड के टाइम, कोविड आ गया, ये तमाम और व्यस्तता हो गई, लेकिन वो करना है। मैं जल्दी कभी करूँगा, हो सकता है आपके साथ करूँ। जी बिल्कुल। सर ये बताइए कि जिस तरीके से आपने ट्रेन 18 लिखी जी, इसको लिखने का एक अलग एहसास होगा जी। और अभी जब आप सुनते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही है, लोग सफर कर रहे हैं, तो खुद में कैसा फील करते हैं? नहीं, ये तो आप अच्छी बात पूछी आपने कि वो हर इंसिडेंट पे लेके, जैसा मैंने बताया, 85% लोग तो बहुत, जितनी तारीफ मिलनी चाहिए उससे ज्यादा देते हैं। आफ्टर ऑल है तो एक ट्रेन ही ना, कोई चंद्रयान तो नहीं बन गया है, कोई मंगलयान बन गया है। ये हमेशा मुझे थोड़ा ताज्जुब भी होता है कि एक ट्रेन को इतना प्यार मिले, ये अजीब बात है। अभी भी लोग चलते हैं और मेरे पास रोज कम से कम 8-10 मैसेजेस आती हैं, मतलब जनरल छोड़िए, पर्सनल, कहीं से नंबर ढूंढ के लोग मुझे भेजते रहते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग बताते हैं नहीं, इसमें ये कमियाँ हैं, इसको दूर कराइए। मैं उनको क्या बताऊँगी, मेरे हाथ में अब क्या है, लेकिन एक अच्छा तो लगता ही है। इवन जो बताता है कि बहुत अच्छी है, इसमें ये कमियाँ हैं, ये दूर कराइए, तो अच्छा तो लगता ही है। और जब अगर कोई वाकई कोई ऐसी बात होती है तो मैं अपने मित्र लोगों को भेज भी देता हूँ कि देखो अगर ये हो सके तो अच्छा लगता है। क्या आप अपने पुराने कलीग से जो इसमें इन्वॉल्व थे अभी भी टच में हैं, क्या बातचीत होती है, इसको लेकर क्या चीज़ें सही की जानी चाहिए? नहीं, उनसे देखिए बहुत, चूँकि रिटायर्ड आदमी को बहुत ऑफिशियली इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना ठीक नहीं माना जाता। उनसे बातचीत होती है मेरी, तो मित्र हैं हमारे, इतने साथ काम किया हुआ, लेकिन ये ऑफिशियल बात अवॉइड करते हैं लोग, बिकॉज ठीक है वो एक टाइम था, अभी नया टाइम है, इसमें वो उनको बहुत ज्ञान देने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। कभी कभी जैसा मैंने बताया सजेशन आते हैं कुछ, तो मैं बोल देता हूँ कि देख लो अगर ये हो सके, ऐसा फीडबैक मुझे मिला है, बट वहीं तक लिमिटेड है। तो ये थे हमारे साथ वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट डिजाइनर हेड सुधांशु मणि जी, जो हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में शरीक हुए थे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ।